सो ही गाइस, वेलकम बैक टू पोकेट वर्ल्ड 5 एंड आज हम लोग बैक कर लिए पोकेमॉन शॉर्ट रैंडमाइजर में, जहां पर अगली बार हमने काफी सारे लेजेंडरीज को कैच करा, लाइक सोलगेलियो, ड्रैशिरियम, साथ में ज़ेमाजेंटे को भी, एंड कुछ पोकेमॉन को हमने रख भी दिया था कैच करके। एंड आफ्टर ऑल तुम्हें याद होगा कि अगले एपिसोड में हमारे पोकेमॉन के लेवल इतने नहीं थे, तो मैंने थोड़ी बहुत इनको ट्रेन कर दिया। एंड साथ ही साथ देखो, इनके मूव थोड़े चेंज हो गए, लाइक इसके जैन एडवर्ट सीख चुका है एंड सन स्टील स्ट्राइक ये सीख चुका है। एंड इसी के साथ साथ हमारे दूसरे पोकेमॉन भी अपने अच्छे अच्छे मूव सीखे, लाइक ये या भाई अपना एक न्यू मूव सीखा है ड्रैगन ब्रिज, जो कि ओवर पावर्ड है भाई इसके लिए। एंड आज हमें अपने सेकंड राइवल बेट को आना है, साथ ही साथ हमें जिम लीडर्स को भी बीट करना है, अपना फर्स्ट जिम लीडर को। सो लेट्स गो गाइस। ओके, पहले इनसे ही बैटल करना पड़ेगा, देखते हैं इनके पास कौन से पोकेमॉन होता है। आई गेस इनके पास कोई अच्छा पोकेमॉन तो नहीं। एक सेकेंड, ऐश का पिकाचू, वैसे ये कैप आई गेस कालोस वाला है एंड ये भाई बहुत ऑसम लग रहा है। चलो इसको आई गेस में वन शॉट तो उड़ा नहीं सकता, तो जैन हेडवर्ट करके देखते हैं कैसा डैमेज देता है। चल भाई सोलगेलियो, ओ नाइस डैमेज। एंड इसका थंडर, ओ अवॉइड कर दिया इसने बहुत सही तरीके से, और अभी ये ख़त्म होने वाला है। बट पिकाचू ने अभी अटैक अवॉइड किया हमारा, लाइक पिकाचू भाई तुम अपना अटैक अवॉइड करोगे तो हम भी करेंगे यार। नाइस पिकाचू। वैसे चलो इसको ख़त्म करते जल्दी से आयरन डिफेंस से। मैंने तो इन्हें हरा दिया, बट यार तुम लोग ये सोच रहे हो यार इतने दिनों से 100 आवर्स की वीडियोस क्यों नहीं आ रही, तो भाई वादा कर रहा हूँ यार बहुत ही ज़्यादा ही मस्त गेम के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, बट टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है। और तुम लोग ये बताना कि मैं उस वीडियो को पार्ट वन या पार्ट टू में छोड़ दूँ क्या, दो पार्ट में, बिकॉज एक पार्ट में छोड़ा तो भाई अभी 2-3 हफ्ते तो और लग जाएंगे वीडियो आने में, ठीक है। बहुत ही बड़ी वीडियो है एंड गेम ख़त्म करने में मेरे को कम से कम 1-2 हफ्ता लग गया, तो भाई वीडियो तो रिकॉर्डिंग मतलब एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लगने वाली है। तो चलो भाई तुम लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पर स्कॉटल एंड एक चुटकुल सा फोर्स स्पॉन हुआ है। ओ स्कॉटल व्हाट्सअप, सीटी बजाते हैं भाई, आओ इधर आओ इधर आओ बच्चों इधर आओ। ओ क्यूट भाई, साड़ी पोकन काफ़ी क्यूट है, बट इस ट्रेनर को मैं अवॉइड कर दूंगा एंड हम चलते हैं आगे की साइड। एंड यहाँ पर है बेड, बट इससे पहले ये लेते हैं, इसके अंदर क्या है, सुपर पोजिशंस, ओके काम आ सकते बाद में। तो चलो चलते भाई बेड से बैटल करने। एंड आई गेस हाँ, तो भाई ये वही लौंडा है जिसको चेयरमैन ने चुना है, चेयरमैन रोज, जो कि यहाँ के चेयरमैन है, लाइक प्रेसिडेंट तो बोल सकते हो। ओके एक्चुअली मेरे से कुछ नहीं, बस हमसे बैटल ही लेना है, तो भाई आज जल्दी से बैटल करते हैं। एंड भाई देखिए हाँ, इसका फर्स्ट पोकेमॉन मुझे लग रहा है पावरफुल हो सकता है। ओह इसकी टाइप क्या है यार, इसको आई गेस ग्राउंड एंड वाटर टाइप है, रॉक एंड वाटर होना चाहिए। अगर ये रॉक एंड वाटर हुआ तो भाई सन स्टील स्ट्राइक इसको भाई फाड़ देगी, तो लेट्स गो इसकी सबसे पावरफुल मूव करते हैं, सन स्टील स्ट्राइक। ओके इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव भाई, बहुत ही पावरफुल मूव मारा था मैंने, बट एक्चुअली इसके ऊपर ज़्यादा नहीं चला। तो सोलगेलियो भाई साहब सॉरी फॉर डैट, एक्चुअली मैं लेट्स गो जैन हेडबर्ट। ओके इससे कुछ काम वाम कर जाए सोलगेलियो का। ओ या ये थोड़ा बहुत काम कर रहा है, एंड ओपोनेंट का पोकेमॉन कोई मूव नहीं कर सका, इसका मतलब ये अभी पिटने वाला है। लेट्स गो, ओके नाइस, ये तो पहला पोकेमॉन पिट चुका है सोलगेलियो ने, काफ़ी अच्छे काम किया है। बट उसका पहला अटैक का एनिमेशन काफ़ी अच्छा था, बट बाकी सब कुछ भाई बेकार चला गया था। ओके तो आई गेस ये एक फेरी टाइप पोकेमॉन है जो कि ओपोनेंट पर भी आने वाला है, या इट्स ए फेरी टाइप पोकेमॉन, इसके ऊपर भाई ट्राई करते हैं, मतलब सन शील्ड स्ट्राइक। एंड ये वाला भाई साहब इसको फाड़ देने वाला है बिल्कुल। लेट्स गो सोलगेलियो, ओके वन शॉट नॉकआउट, ओह नाइस, इसके लेवल सोलगेलियो से काफ़ी ज़्यादा है, बट सोलगेलियो ने वन शॉट विद क्रिटिकल हिट फिनिश किया इसे, ये मेरे को काफ़ी पसंद आया यार। सोलगेलियो तू तो काफ़ी मस्त खेल रहा है यार। वैसे लेजेंडरी पोकेमॉन में से तुम्हारा फेवरेट लेजेंडरी कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताना जरूर से। ओके जेलीसेंट, जेलीसेंट का पोकेमॉन तो मेरे को सही से नहीं पता कौन सा पोकेमॉन है, बट देख लेते हैं। ओके इट्स आइस टाइप प्लस वाटर टाइप, मेरे को जितना तो पता है, मैंने देखा था इसको पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू जीवीए में, तो ये आइस टाइप होना ही चाहिए, तो वन शॉट के आई गेस जाना चाहिए। और नहीं गया, नहीं गया, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। शैडो बॉल कौन सा टाइप का ये भाई देवे पोकेमॉन, ओके ओके शैडो बॉल मारा तो आई गेस ये हो सकता है घोष टाइप, मेरे को टाइपिंग नहीं पता इसकी, तुम लोग बता सकते हो मेरे से क्या क्या गलती हो रही है। एंड या कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग नूब भी लिखने वाले, तो आई एम सॉरी या मुझे कोई ज़्यादा पोकेमॉन के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे, बट अफकोर्सली मैंने ज़्यादा एनिमेस नहीं देख पाया मैं, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में, तो मैं एनिम नहीं देख पाया पोकेमॉन की, तो मेरे को पोकेमॉन का टाइप्स एंड नाम के बारे में काफ़ी कम पता है, सो इसलिए सॉरी गाइस। बट एक्चुअली मुझे लग रहा है ये ड्रैगन ब्रीथ काम कर सकता है इसके ऊपर, अगर ये आइस टाइप नहीं हुआ तो। लेट्स गो, ओके हाँ ये पिट चुका है। ड्रैशिरियम भाई बहुत ओपी है, ओके एक क्रिटिकल हिट के साथ हराया इसने इसको, तो इसका तीन पोकेमॉन तो ऑलरेडी फेंट हो चुके हैं एंड मेरे पोकेमॉन तो एक फेंट ऑलरेडी। काइडेजियन इट्स ए ड्रैगन टाइप, आई नो इसका तीन सर होता है ये रहा, और इसको तो भाई ड्रैगन ब्रीथ से एक बार हरा देगा, बिकॉज ड्रैगन गॉड है भाई अपने पास ड्रॉन्जर। ओ नहीं आउटरेज था उसके पास भाई साहब, ड्रॉन्जर कर भाई, ड्रॉन्जर कर, बदला ले अपना,
नहीं भाई साहब नहीं, ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हो गया? मतलब अब मेरा पोकेमॉन पिटने का बहुत डर लग रहा है मेरे को। मैं तेरा पोकेमॉन चेंज कर लूँ 11 घंटा में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरा पोकेमॉन पिट सकता है फिलहाल। ओके, मैं इसे हारना तो नहीं चाहता, बट ऑब्वियसली मैं इसे हार भी सकता हूँ, बिकॉज क्रिटिकल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा है इसके आउट के। इससे अगर 7 घंटा, ओके इसको कुछ नहीं हुआ भाई, ये सक लौंडा है। ओपोनेंट के पोकेमॉन को कन्फ्यूजन भी लग चुका है, तो सक लौंडा भाई अपना काफ़ी सही खेल गया हो। हम देखते इसकी बाइट से क्या होता है। ओके बाइट से मार दे भाई उसे, वो नहीं मार पाया। ओके ये कन्फ्यूज़ हो जाए, बस कन्फ्यूज़ हो जाए। ओके दैट्स ऑसम बड़ी, तो ये कन्फ्यूज़ हो चुका है। एंड हम पोजिशन का तो यूज़ नहीं कर सकते, मैंने वो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है अपने ऊपर, डोंट वरी, ये रूल में से एक है, पोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके चिंचौ व्हाट इज दिस पोकेमॉन, मैं देखो रेशिडियम को डायरेक्टली नहीं भेजूंगा, मैं पहले टेस्टिंग करूंगा कौन सा पोकेमॉन है, ठीक है। ओके चिंचौ इट्स नॉट ए वेरी गुड पोकेमॉन, बट क्विक अटैक से इसको भाई थोड़ा थोड़ा डैमेज तो दे सकता अपन। ओके हाइड्रो पम्प, हाँ ये इसी चीज़ का डर था, इसे रेशिडियम इजी तरीके से बीट हो सकता था हाइड्रो पम्प से, बट कोई बात नहीं, हम इस पर जल्दी से अलग अलग मूव्स करते हैं। ओ मेरे पास स्लैश था, मैं स्लैश से करता तो ज़्यादा डैमेज पहुँचता लिटरली। लेट्स गो स्लैश यूज़ करते हैं एंड इससे थोड़ा ज़्यादा। ओके नाइस रेशिडियम मतलब सॉरी ज़ैमेजेंटा भी काफ़ी अच्छा दिखा रहा परफॉर्मेंस, मुझे नहीं लगा था कि ये लौंडा काफ़ी अच्छा दिखा पाएगा, बट इसका और एक पोकेमॉन आ चुका है एंड मेरा ज़ैमेजेंटा ऑसम है भाई, जो भी मानो डिटो। ओके डिटो भाई, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आई थिंक इसमें, देखता है अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी ओके ट्रांसफॉर्म भाई न्यू ज़ैमेजेंटा। ओके इसका वो शील्ड भी भाई इसको मिल चुका है, तो देखते हैं अब उसकी स्पीड अगर हमसे ज़्यादा हुई तो हम लोग पिटेंगे, वरना तो ओके इट्स फाइटिंग टाइप नाउ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, स्लैश इज़ नॉट वर्क एंड ऑल्सो बाइट तो भाई बेकार ही इसके ऊपर, तो क्विक अटैक से कुछ नहीं होने वाला, स्लैश ही करना पड़ेगा मतलब। हाँ ओके इसने क्विक अटैक कर दिया, शर्ट वो एक सेकंड, क्या मैं रेशिडियम इसके क्विक अटैक से पिट सकता है? नहीं इसकी स्पीड थोड़ी बहुत ज़्यादा है, बट आई गेस रेशिडियम पिट सकता है मेरा प्यासा ड्रॉन्सर, इसकी 10 HP बस बाकी है, अगर इसने क्विक अटैक कर दिया तो मैं पिट सकता हूँ। वैसे मैं ड्रैगन ब्रीथ करने की ट्राई तो करता हूँ, क्विक अटैक मस्त मत पिटना। अरे नहीं यार नहीं नहीं, ये बहुत गलत हुआ अपने साथ सीन यार, इसका लास्ट पोकेमॉन था डिटो, तो एक बार हारने के बाद मैं दोबारा चला भाई उससे हारने, मतलब नहीं यार हराने नहीं, तो यार इस बार मैं सिर्फ जल्दी से हरा दूंगा। एंड तुम लोगों को भी क्या ही याद रहेगा कि एक अच्छा सा ट्रेनर था जिसने बेट को 2 बार में हराया, सो अब उसका लास्ट डिटो बचा है। मैंने उसके सारे पोकेमॉन को लिटरली इस बार बहुत इजी तरीके से हरा दिया, बिकॉज मैंने इस बैटल के बाद नेक्स्ट बैटल के लिए इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर ली थी, सो वो स्ट्रैटेजी लिटरली बहुत ओपी काम आई। एंड तुम मेरे पूरे टीम को देख सकते हो, मतलब ज़ैमेजेंटा था जख्मी और एंड ज़ैमेजेंटा ने अकेले पूरे पोकेमॉन को संभाल लिया, मतलब मैं समझ रहा था कि ज़ैमेजेंटा मेरी टीम का सबसे यूजलेस पोकेमॉन है, बट उसने भाई साबित कर दिया कि ही वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन माई टीम, ठीक है। और भाई भी डिटो पैरालाइज हो चुका है, तो डिटो कुछ नहीं कर सकता फिलहाल, पैरालाइज हो चुका है लौंडा, ट्रांसफॉर्म हो चुका है ओके रेशिडियम में, बट इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, तो मैं इसे बहुत इजी तरीके से सुपर इफेक्टिव मूव से मार सकता हूँ। ओह नहीं एक सेकेंड इसका पैरालाइज हट गया क्या? वो मेरा जैसे अभी भाई पैरालाइज हो चुका है रेशिडियम, ओह नो वो 1 HP भाई बच गया, कोई बात नहीं ड्रैगन ब्रीथ से मेरा पोकेमॉन तब पिटेगा, चलो कोई बात नहीं, ये तो देखना बनता ही था। बट अभी मेरे पास एक नाइस स्ट्रैटेजी है विथ माई ज़ैमेजेंटा, बिकॉज उसके पास क्विक अटैक है एंड में पता है क्विक अटैक लो HP में भाई वरदान है भाई वरदान, ठीक है शील्ड आगे इसकी एंड लेट्स क्विक अटैक बड़ी। एंड अब तो भाई ये क्या, बाय बाय, कैसा लगा अभी हार के एटीट्यूड किंग? हाँ आई सी वेल, सो फाइनली मैंने इसको हरा दिया है एंड अभी मुझे आगे जाना है, सो लेट्स गो। ओ एक सेकंड, मैं अपने पोकेमॉन्स को हील करवाना भूल गया भाई देवी। ओके हील कर लेते अपने पोकेमॉन को जल्दी से, सो यार मेरे पोकेमॉन फुलफिल हो चुके हैं एंड फिलहाल एक सेकंड, क्या ये मेरे पोकेमॉन्स को हील कर सकती थी? ओके अरे यार मैंने अब तो पोजिशन सुपर पोजिशन बेकार में वेस्ट किया, ये लॉन्डिया कर सकती थी मेरे पोकेमॉन्स को हील, भाई कट गया मेरा यहाँ पर। ओके सो देखते हैं इस लॉन्डे के पास कौन कौन से पोकेमॉन होने वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास बस क्लफेरी है, जो कि भाई मेरे सोलगेलियो के सामने तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरे एक ही भाई एक अटैक जो सन शील्ड स्ट्राइक है उससे ये क्लफेरी तो भाई जाएगी, सो लेट्स बिगिन माय पावरफुल पोकेमॉन वन शॉट किल्ड। ओके इसके पास कोई दूसरा पोकेमॉन भी है भाई दिव्य, ओके ये भी आइस टाइप है, ये भी वन शॉट ही जाएगा, मतलब इतने कमज़ोर पोकेमॉन ला रहे हो तो मेरे सामने, मेरा सोलगेलियो भाई मजे ले रहा है सबकी एक एक शॉट में सबको ख़त्म करके, ये देखो
भाई सोलगिलो जेमाजेंटा एंड रेशिरेम तीनों जब अपने साथ होना भाई तब डर लगी क्या बात हो, क्योंकि सामने कोई भी लेजेंडरी पोकेमोन आता है ये तीनों अकेले संभाल लेंगे इन सबको। ओके यहाँ के स्पॉन देखो तुम, छोटा मोटा पोकेमोन है ये वाला। हेलो भाई व्हाट्सअप क्या हाल चाल। हाँ सू ठीक ठाक है, बिल्ली है, मुझे बिल्ली पसंद है, बट बिल्ली भाई बेवफा होती है सच बता रहा हूँ। इससे कुत्ते पाल लो, बिल्ली मत पालना कभी भी, हज़ारों कुत्ते पाल लो बहुत अच्छी बात है, एक बिल्ली भी मत पालना भाई। बिल्ली बहुत पसंद है मेरे को बट बिल्ली बेवफा होता है यार, बिल्ली निकल के छोड़ के चला गया था मेरे को, एक बिल्ली था मेरे पास। ओके वो लो। ओके व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग। ओके मैं थोड़ा ऊपर उठता हूँ ना ताकि मैं पढ़ सकूँ बी। ओके तो आई गेस फूलू आ रहा है यहाँ पर। ओके 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 एक सेकंड, इसने मेरे को टक्कर मार दी। हाँ इसने मेरे को टक्कर मार के बंद हो गया ये लौंडा। तो ये जिम लीडर है। ओके माई आर यू ओके। ओके मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, यू टुक द टैकल हेड ऑन। ओके इसने मेरे को टैकल किया, ये कोई बात नहीं है, तो जिम लीडर है आई नो एंड मैं एक चैलेंजर हूँ, तो भाई चल तू अपने जिम में जा। तो अभी अपने उल्लू के साथ जा रहा है एंड पता नहीं यार सबको यहाँ पर पता है कि मैं चैम्पियन का वो हूँ, चुना हुआ ट्रेनर हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है बट सबको पता है भाई, सबको पता है मतलब सब चैम्पियन ने लियोन ने हर तरफ मेरी फोटो छपाई होगी कि देखो इस ट्रेनर को मैंने चुना है लिटरली। तो यहाँ पर है अपना फर्स्ट जिम क्रास टाइप वाला एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर भाई रैंडमाइज पोकेमॉन भर भर के आने वाला है, तो ग्रास टाइप की तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एंड अभी सोनिया हमें कुछ बताने वाले बेकार चीज़ों के बारे में जो कि मैं स्किप कर देने वाला हूँ। तो तुम सब ने मेरी बाकी सारी वीडियो से तो पता लगा ही लिया होगा कि यहाँ पर होता क्या है, बस एक छोटी सी स्क्रीन है बट मैं यहाँ पर सोनिया को देखने बस आ गया था। कोई बात नहीं सोनिया, क्यूटी सोनिया, मैं तेरे को देखने आया हूँ सिर्फ यहाँ पर। तो बाय द वे जो भी हो डार्क डे एंड वाग डे ये सब बेकार चीज़ें तुम्हें सब कुछ पता होगा एंड ये क्यूट सी सोनिया को देख के तुम भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो हमको मिनोस लीक कार्ड मिल चुका है जो कि यहाँ का जिम लीडर है बाय द वे। सो या दिस टाइम टू गो फॉर जिम बिकॉज ये चीज़ खत्म हो चुका है सोनिया के साथ बेकार का डार्क डे वाली बात एंड मैं सारे बेकार की बात मैं स्किप ही कर देने वाला हूँ वीडियो से बिकॉज ये किसी काम का तो है नहीं। और मैं यहाँ पर जिम में थोड़ा इलाज विलाज मतलब जिम सॉरी पोकेमॉन सेंटर में इलाज विलाज करवा लेता हूँ थोड़ा। और हाँ पोकेमॉन सेंटर में एक सबसे अच्छा चीज़ क्या है पता है इस गेम में, तुम यहाँ पर आके अपने पोकेमॉन्स का जो निकनेम चेंज कर सकते हो एंड ऑफकोर्सली और कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर तुम अपने पोकेमॉन्स के कुछ ओल्ड मूव जो कि वो भूल चुका है उसको तुम रिमेंबर करवा सकते हो। तो मैं सोलगोलियो का एक मूव मुझे रिमेंबर करवाना था, पहले मैंने एक किया था तो अभी मुझे करवाना है कॉस्मिक पावर। इससे क्या होता है स्पेशल डिफेंस और डिफेंस बढ़ जाता है एंड ये भाई बहुत ही ओवर पावर्ड मूव है। तो भाई नबल डोर को मैं हटा देता हूँ, इससे बस अपने पोकेमॉन का स्पेशल अटैक बढ़ता है। तो डिफेंस भाई अच्छा है अटैक से, ठीक है डिफेंस हाई रहेगा तो भाई अपना पोकेमॉन अटैक करता ही रहेगा। सो या एक्चुअली मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँ एंड फिलहाल मुझे जाना है जिम के लिए। सो आई गेस होप ऑलरेडी जिम को बीट कर चुका होगा। या भाई तू बहुत पावरफुल है, बहुत फास्ट है, होप निकल अब यहाँ से, ठीक है। एंड अभी हमें जाना है यहाँ पर एंड ग्रास टाइप पोकेमॉन होने की तो एक्सपेक्टेशन तुम करना ही मत बिकॉज यहाँ पर ग्रास टाइप छोड़ के मुझे लगता है हर कोई पोकेमॉन होने वाला है। तो या सबसे पहले हम अपना ड्रेस पहन के आ जाते हैं। ओके मैं आ चुका हूँ एंड अब मैं फिलहाल जा सकता हूँ इसके अंदर। चलो जाने दो मेरे को जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा हूँ मैं। ओह ये लोगो काफ़ी अच्छा है भाई देवी। ओके दिस इज द जिम स्टेडियम एंड ये काफ़ी ज़्यादा ही पड़ा है। ओके एंड यहाँ पर टास्क क्या है, बस तुम्हें होलूस पोकेमॉन को अंदर घुसना है, बस मैं दिखा दूंगा उनके पीछे मुझे भाग भाग के। बट ये पहले तुम्हें बहुत ईजी लगेगा लेकिन लास्ट वाला टास्क बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेट्स गो बडीज। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इनको घुसेर रहा हूँ एंड ये देखो इस साइड में जाओगे उस साइड में जाएंगे ये एंड 20 इसको कलेक्ट करना है, तो 20 कलेक्ट हो चुके हैं एंड अब ये भाई ये तोड़ के निकलने वाले हैं। चल भाई एंड यहाँ पर इस जगह पे काफ़ी प्रॉब्लम है बिकॉज एक डॉग है जो कि सर पोकेमॉन को उधर से उधर भगा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं बच गया भाई इस डॉग से फिलहाल। तुम देखना ये डॉग हर पोकेमॉन को इधर से उधर भगा देता है जो कि तुम्हारे उलूस होंगे एंड ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। भाई एक चैलेंजर भी चैलेंजर सॉरी मैं तो चैलेंजर हूँ, एक जिम ट्रेनर का चमचा यहाँ पर खड़ा हुआ है एंड इसके पास है एक छोटा सा पोकेमॉन। इस पोकेमॉन का टाइप आई गेस फेरी टाइप होना चाहिए जितना मेरे को लग रहा है। तो लेट्स गो विथ आयरन हेड, आई गेस आयरन हेड से ख़त्म हो जाएगा ये। और इनको इसी साइड से जाना है तो मुझे इन ट्रेनर्स को भी हराना पड़ेगा। तो अब बस ये तीन बाकी हैं, मुझे इन तीनों को ले जाना है। तो चल अब इधर दे इधर, हाँ बहुत सही। ओके दूसरा भाई एग्ज़ाम भी पास हो गया अपन लोग जल्दी से एंड अभी थर्ड एग्ज़ाम की बारी एंड थर्ड एग्ज़ाम भाई साहब लिटरली इतना ज़्यादा ही हार्ड है, इन कुत्तों से बच के जाना यार बहुत ही मुश्किल है। अभी ये कुत्ते देखो, ये देखो उलूस को दूसरी साइड भगा दिया। ओके उलूस जाओ उलू जा। अरे कुत्ते यार ये डॉगीज बहुत नॉटिंगी कर रहे हैं। ओके ये लड़की देख लिया क्या इसने मेरे को, आ जाओ दीदी देखते आपके पास कौन से पोकेमॉन। ओके आइस एंड बग टाइप। ओके आइस एंड बग टाइप के लिए तो भाई मेटल वाली अटैक बिल्कुल सही होने वाली है बिकॉज मेटल आइस को तोड़ सकती है, आई गेस ये पावरफुल होने वाली है। लेट गो भाई देखिए, हाँ फायर टिप अटैक इनके ऊपर 4x का डैमेज दे सकता है बट ये भी काफ़ी सही अटैक निकला। ओके दीदी आप पिट चुके हो बिल्कुल।
ओके, इसका चेहरा काफ़ी सही है यार, मतलब जब वो इसके गाले के नीचे दो धब्बे पड़े हैं। ओके, इसको हराने के बाद इसके कुत्ते शांत हो गए। ओ मुझे पता होता तो मैं पहले उनको शांत करवा देता ना। कोई बात नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं ये लॉन्ड ने, उधर से उधर इधर से उधर जाते ही रहेंगे। तो यार दिस इज़ द लास्ट स्टेज, एंड लास्ट स्टेज को हमने यहाँ पर इजी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। एंड यार जिम लेडी के पास कौन कौन से रैंडमाइजर पोकेमॉन होने वाले हैं, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में हूँ। तो मैं बनूंगा इतना ज़बरदस्त, अब जिम लेडी के सामने जाके पता चलेगा ज़बरदस्त बनूंगा या फटने वाली है। मुझे पता नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा फटने वाली है। जिम लेडी के पास ओवर पावर्ड पोकेमॉन होने वाले हैं। वन ट्राई में क्या मैं उसे हरा सकता हूँ, बिकॉज मुझे उसके पोकेमॉन के टाइप तक नहीं पता। बट लेट्स गो, देखता हूँ भाई। ओके, ऑडियंस तो भाई काफ़ी सारी यहाँ पर है, एंड ऑफकोर्सली हम भी यहाँ पर हैं। जिम लीडर ये रहा भाई, अपने ग्रास टाइप जिम लीडर मिल लो, क्योंकि अपने पास कितने पोकेबॉल ला रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोकेबॉल्स। ओह एक सेकंड, दिस इज रैंडमाइजर, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बस इसके पास दो ही पोकेमॉन हो सकता है 6, 4 पोकेमॉन है। इतना बुरा तो नहीं है जितना मैंने सोचा था। सो इट्स ए आइस टाइप पोकेमॉन है, ये काफ़ी छुटकू पोकेमॉन है। सो ऑफकोर्सली इसे मैं बहुत ईजी तरीके से बीट कर सकता हूँ। ओके, आयरन हेड, मुझे इतना पावरफुल मूव उसके ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आयरन हेड से गया भाई, फर्स्ट पोकेमॉन है उसका। ओके, अब इसके पास है चैंडलर। ओके, वही छुटकू सा पोकेमॉन है, जस्ट लेट्स गो, आ जा भाई। ओके, ये एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है, सबको जो जैन हेड, बट इसके ऊपर काफ़ी अच्छा होने वाला है ओवर हीट। ओके, ये गलत हो गया बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में ही। ओवर हीट मेरे वन शॉट लिफ्ट पोकेमॉन को डिफीट कर चुका है, और अब बस इसे डिफीट करने के लिए मेरे पास उम्मीद है मेरे ट्रॉन्जर की, जो कि भाई बहुत ही अच्छा है। ट्रॉन्जर बेब्लेड किंग, लेट्स गो ट्रॉन्जर। ओके, अब ड्रैगन ड्रैगन मत लिखना भाई कमेंट बॉक्स में कोई भी। चलो इसको ख़त्म करते एक ही शॉट में। शैडो बॉल, ओके, इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव ऑन माई ट्रॉन्जर बिकॉज ये ड्रैगन टाइप एंड फायर टाइप का है, तो क्रंच से सच में कुछ नहीं हुआ। बे सुपर इफेक्टिव मूव था, मुझे लग क्या रहा है पता, ये ड्रॉन्जर जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेकार पोकेमॉन लग रहा है मेरे को फिलहाल। ये अपने अटैक से भाई लोगों को कुछ भी नहीं कर पा रहा, पता है तुम्हें, ये देखो इतने ओवर पावर्ड मूव ये मार रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे लग रहा है मुझे अपने जैमाजेंटा को भेज देना चाहिए, वरना भाई बहुत ही चीज़ें बिगड़ सकती है, एंड ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी बिगड़ भी चुकी है, बिकॉज मैं सबसे पावरफुल पोकेमॉन इसका तो वन हिट मर चुका है, और ये चीज़ें बिगड़ने से भाई बहुत ही घटिया चीज़ है। ओके, इसके पास कोई घोस्ट टाइप मूव हो, ओके, इससे ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होने वाला। ओ ओ ओ क्रिटिकल हिट, शेट, अब तो हार सकता हूँ मैं। चलो इसको तो ख़त्म करते जल्दी से। ओके ओके, ये ख़त्म हो गया। अब इसका नेक्स्ट पोकेमॉन देखता हूँ मैं, मुझे पता नहीं डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज मैं बैटल हार सकता हूँ यार। ओके, बड़ कुछ जो भी इसका नाम है। ओके, ये भी आइस टाइप ऑफ ऑल्सो, सो मेरे पास कोई फाइटिंग टाइप मूव तो नहीं है, वरना मैं इसे वन शॉट ली बीट कर देता, बट मैं ज़रा सा एक स्लैश अटैक करता हूँ, बिकॉज आइस टाइप है तो इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होने वाली है। ऑफकोर्सली टेक डाउन, गया मेरा पोकेमॉन, एंड इसको भी इसके साथ थोड़ी बहुत तो डैमेज पड़ेगी, जो कि मेरे लिए एडवांटेज ला सकती है। ओके, अब भाई कोई और चारा है ही नहीं, मुझे अभी यहाँ से डायनेमिक्स को यूज़ करना ही होगा। लेट्स गो, मैं नहीं चाहता था कि इतने जल्दी मैं डायनेमिक्स को यूज़ करूँ, बट अगर मैंने इसका यूज़ नहीं किया तो मेरा ड्रॉन्जर लिटरली फिट जाएगा। सो लेट्स गो ड्रॉन्जर, आ जा अपने डायनेमिक्स फॉर्म पे। तो भाई डायनेमिक्स ये ड्रॉन्जर भाई कितना ज़्यादा ही बड़ा है, लिटरली डैशरेम वैसे इतना बड़ा है, इससे भाई बड़ा जब हो गया ना वो कितना ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा, मतलब ईविल किंग। ओके, एक ही शॉट में निपटा डालेगा इसको तो, गुड, ठीक है, बहुत सही। ओके, नाइस, बड़ी नाइस। ओके, एंड दिस इज द लास्ट टाइम। ओके, इसका लास्ट पोकेमॉन है, देखते हैं। ओह मैन, आर यू सीरियस, एक छुटकू सा लास्ट पोकेमॉन। ओके, मेरे पास इसके लिए बहुत अच्छी तोड़ है, एक लास्ट अटैक खतरनाक वाली, और इसके साथ ये ख़त्म। ओके, मैं बच गया भाई, हारा हुआ मैच में जीत गया। ओके भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छी चल रही है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ से अपना फर्स्ट जिम बैटल जीत चुका हूँ, एंड इसी के साथ मुझे मिलने वाली अपना फर्स्ट जिम बैज। ओके, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया भाई इस बार तूने ड्रॉन्जर, ठीक है, एंड ऑफकोर्सली मेरा अगर वो नहीं होता ना जैशियन, तो मैं जैशियन से जैमाजेंटा तो मैं काफ़ी सारी बैटल्स हार जाता, बट ही इज़ अ रियली ग्रेट पोकेमॉन। सो मेरे को मिल चुका है यहाँ पर अपना फर्स्ट जिम बैज, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, एंड मैं अभी लेवल 25 से ऊपर के पोकेमॉन कैच कर सकता हूँ,
बट आई गेस मुझे मिठो को कैच करने के लिए लैब सेकेंड जिम को आना पड़ेगा या जो कि आपको इसलिए कौन सा टाइप का है जो भी है मुझे यहाँ पर मैजिकल लीफ मिल चुका है। ओके इसके डैमेज आई गेस अच्छी खासी हो एंड उसके बाद ग्रास ओके यूनिफॉर्म ओके। तो फिलहाल भाई हमें जाना है यहाँ से नेक्स्ट सिटी की ओर एंड ऑल्सो ये कौन है ओके आई कैन बिलीव मिलो लॉस्ट हाँ वो हार चुका है ऑफकोर्सली एक खतरनाक ट्रेनर आया तो वो हारेगा ही नहीं ना। ओके ओके तो चलो भाई चलते हैं रोड 5 की ओर बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ पोकेमॉन्स को अभी यहाँ पर मुझे हील भी करा लेना चाहिए सो लेट्स गो फॉर रोड 5 एंड मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं कुछ ट्रेनर्स को हराऊंगा एंड उसके बाद मैं आके पोकेमॉन्स को चेकआउट करूंगा बिकॉज मैंने सुना है कि ट्रेनर्स को हराने के बाद ना पोकेमॉन अच्छे स्पॉन होते हैं ठीक है मतलब नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन पहले स्पॉन होंगे एंड अगर तुम सारे ट्रेनर को बीट कर दोगे रैंडमाइजर में तो ऑफकोर्स तुम्हें लेजेंडरी पोकेमॉन मिलने का चांस काफ़ी अच्छा है। तो मुझे सारे ट्रेनर्स को रोड 5 के हराना है एंड फिर चेकआउट करना है यहाँ पर कोई लेजेंडरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो अच्छे स्पॉन ईजिली आ जाएंगे ठीक है। ओके तो इन मोहतरमा एंड इन मिस्टर के पास तो एक है एंड इसके पास एक खतरनाक घोस्टी पोकेमॉन है जो कि मेरा प्यारा सा घोस्टी है। तो भाई ये 1v2 बैटल हो चुका है एंड मुझे इसके पास एक ही पोकेमॉन को हराना है सो लेट्स गो भाई इसको तो मैं इजीली हरा दूंगा। ओके जेन हेडबर्ट ऑन हिम एंड ऑल्सो सुपर इफेक्टिव मूव तो भाई ये तो गया वैसे ही बाइट से मर जाएगा बेचारा। ओ नहीं मरा वो लेवल 30 का ओपोनेंट है यार एक्चुअली इसी लेवल पर लेवल 30 का पोकेमॉन आ रहा है क्या। असल में होता है क्या बताइए यहाँ पर अगर तुम नॉर्मल रैंडमाइजर छोड़ के खेलो पोकेमॉन शॉर्ट में तो ऑफकोर्स यहाँ पर कम से कम तुम्हें लेवल 15-16 के ऐसे पोकेमॉन मिल सकते हैं या इससे भी लो के मिलेंगे बट यहाँ पर भाई रैंडमाइजर लगाने के बाद लेवल ही पोकेमॉन का डबल हो चुके हैं मतलब 100 लेवल तो भाई इलाइट 4 के होने वाले हैं मतलब इलाइट 4 तो नहीं भाई बाकी ट्रेनर्स के पोकेमॉन के 100 लेवल तो होने वाले पाँच जिम के बाद ही भाई 100 लेवल तक शुरू होने वाले मुझे लग रहा है जितना। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट वाली चीज़ हो गई यहाँ पर हार चुके हैं भाई ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से। हाँ तेरे पास तो अंडा ही था यार अंडा वाला इंसान तो मैं इस अंडे वाले एंड इस लड़की को हरा चुका हूँ एंड फिलहाल मुझे आगे निकलना है। ओके यहाँ पे यहाँ के पोकेमॉन स्पॉन तो अभी अच्छे नहीं दिख रहे मेरे को ओ ये मुझे सच में दूसरा पोकेमॉन लगा था बट कोई बात नहीं लेट्स गो एंड यहाँ पर आई गेस ये आंटी जो है वो ये वाली पोकेमॉन दे सकती है तो लेते भाई इनसे एंड यहाँ पर टॉक्सेल के बजाय अगर कुछ और पोकेमॉन मिलाना रैंडमाइज हो के तो अलग ही मज़ा आएगा मेरे को। ओ नहीं यही मिला क्या यही मिला क्या ओ नहीं तो देखो इस टॉक्सेल को तो मेरी टीम में गिनना भी मत इसको मैं यहाँ से फेंकने वाला हूँ बहुत जल्दी बट यार जो कैंडीज मेरे को मिली है उनका मैं यूज़ इजीली कर सकता हूँ अपने पोकेमॉन्स को लेवल अप करवाने के लिए। तो यहाँ पर 5 कैंडीज के रही एंड मुझे लगता है मुझे अपने स्कॉलगिलियो को लेवल अप कराना चाहिए बिकॉज वो काफ़ी अच्छा लौंडा है। ओके लेवल अप तो नहीं हुआ बट इतना थोड़ा बहुत एक्सपी मिल गया स्कॉलगिलियो को जितने में वो 30 तो कर ही सकता है। ओके ओ एक सेकेंड वही जस्ट हैंड ओवर द बाइक ऑलरेडी ओ इसको बाइक देने के बोल रहा है वी नीड टू क्रॉस द लॉन्ग ब्रिज। अरे 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 इस लॉन्डे से लोग बाइक चुराने की बात कर रहे हैं बट इसको भाई ये बता रहा है कि तुम लोग के पास रॉटन फोन नहीं है मैं तुम लोग को बाइक नहीं दे सकता सो ऑफकोर्स ये मेरे से हेल्प मांग रहा है फिलहाल एंड मैं इस टीम वेल पर ठिकाने लगाता हूँ तो पीछे हट भाई ठीक है लेट्स गो बडी। तो ये टीम वेल है जो कि भाई एक जिम लीडर के फैन बेस में से है एंड ऑफकोर्स ये मरने को सिर्फ सपोर्ट करते रहते हैं। ओके चलो तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन तो भाई एक नल्ला पोकेमॉन निकल गया जो कि बहुत जल्दी मेरे हाथों से पिटने वाला है। ओके शकर पंच नहीं अच्छा डैमेज दे दिया भाई शकर पंच ने तो बट कोई बात नहीं रैंडमाइजर जो भी तुम करो मेरे पास से अपना प्यारा सा सोलगे लियो एंड इसके एक अटैक से भाई तुम नहीं बच सकते। तो अपोनेंट भाई 30 लेवल के आ रहे हैं मेरे पोकेमॉन्स के लेवल इनसे कम है बट आई कैन बीट हिम। ओके ओ टॉक्सेल एक ही बार में 14 लेवल का ओ भाई एक ही बार में 14 लेवल टॉक्सेल को देखो एक से भाई 14 लेवल में एक ही बार में चला गया वो लौंडा। ओके ये अच्छी चीज़ हुई इसके साथ वैसे हाँ तो दूसरे को भी बाइक चाहिए एक को तो हरा दिया दूसरे को भी बाइक चाहिए फिलहाल चल आ जा मैं तेरे को बाइक देता हूँ। ओ भाई ये क्या पोकेमॉन ला रहे यार मेरा भाई इसका लक खुल चुका है सोलगेलियो का ये हर पोकेमॉन को वन शॉट उड़ाने वाला है। ओके ओके लेवल ज़्यादा है उसका तो कोई बात नहीं पावरफुल अटैक नहीं किया मैंने प्ले थ्रो उससे कुछ नहीं होने वाले बच्चे अब पिट। ओके बच्चे ने प्ले थ्रो किया मेरे पास लिटरली मेरे ऊपर तो अब गया ये लौंडा। ओके बाय बाय एंड कोई बात नहीं निकलो यहाँ से तो अंकल जी बचाया बजा आपको यहाँ पर दो यार मेरे को जल्दी से अपना वो बाइक जो भी है हाँ चलो ठीक है मेरे पास रोटम फोन है एंड ये रोटम फोन में मुझे बाइक मिल चुकी है दैट्स गुड बडी थैंक यू सो मच अंकल। हाँ मुझे पता है इसको कैसे निकालना है बाइक को कैसे निकालना है वैसे यहाँ पर ना हाँ निकल चुका है बाइक ये देखो। तो भाई इसको तुम अगर इलेक्ट्रिसिटी आया ना तो अगर तुम ऐसे करते हो तो देखो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत फास्टली तरीके से वर्क करवा सकते हो
बट उसी बीच मेरे को मिला मेरा प्यारा दोस्त। अबे यार मतलब इसको तो यार बैटल करनी है मेरे से, तो चलो भाई होप के साथ बैटल करने से पहले थोड़ा बहुत मैं वो कर देता हूँ, एक्चुअली पोकेमॉन्स को हील कर देता हूँ। सो या अब चलो इससे बैटल कर लेते हैं। भाई देवी टॉक्सल भाई बेकार हमारे टीम में बैट बैट के एक्सपी ले रहा है टॉक्सल, तो कोई बात नहीं चलो देखते हैं होप के पास कौन कौन से पोकेमॉन है। 6 पोकेमॉन लाएंगे। सबसे पहले तो एक कॉर्सल आ, गेम मैच कहना कि शाइनी कॉर्सल है। देखो अगर ये शाइनी कॉर्सल हुआ ना और गेम यहाँ से भाई रुक गई ना तो मैं इसको काट डालूंगा, सच बता रहा। बिकॉज जितनी बार भी ओपोनेंट पे शाइनी पोकेमॉन आया ना भाई गेम यहाँ से अटक चुकी थी मेरी, तो मैं इसको भाई एक ही शॉट में ख़त्म करने की ट्राई करता हूँ। ख़त्म हो जा प्लीज़। नहीं 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 अर्थ पावर ठीक है चल गई, चल रही है, चल गेम चल रही है, गेम चल रही है। देखो गेम रुक गई ना, मैं रो दूंगा सच में। ओके जितनी बार भी ओपोनेंट पे शाइनी पोकेमॉन आए गेम तो रुकनी पक्की है, बट इस बार देखते हैं अगर ये पोकेमॉन मर गया ना तो मेरा रिस्क ख़त्म हो जाएगा सारा। ओके बच गया बच गया बच गया बड़ी बच गया। अर्थ पावर वापस से कर रहा है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तक सही चल रहा है सब कुछ, सही चल रहा। सुपर पोजिशन नहीं, इसको इतना हील करने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई, इतना हील करने की क्या ज़रूरत है इसको। ओके मैंने इसे काफ़ी लो कर दिया इसे, एंड अभी एक जल्दी से अटैक से ख़त्म करते हैं। ओके एग्जैक्टली अभी लैग नहीं हो रहा, आर यू सीरियस। चलो जितनी बार भी पहले शाइनी पोकेमॉन ओपोनेंट पे आया था मेरा गेम क्रैश हो गया था, बट फिलहाल ठीक है, इस फाइल में काफ़ी दिक्कत नहीं है। बट वही चलो, एंड फिलहाल इसके पास क्लेडॉल है। ओके क्लेडॉल इज़ अ साइकिक टाइप पोकेमॉन एंड ऑल्सो ग्राउंड टाइप, सो मैं इसको हरा सकता हूँ इससे जेमल सेंटर बिकॉज ही हैव बाइट। या सो लेट्स गो बडी। ओके ये भी शाइनी भाई, ये लौटना मुझे लग रहा है मुझे मरवाएगा, देखते भाई इतने सारे शाइनी पोकेमॉन देख के मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए जस्ट, ठीक है। ओके क्या यार आँख मार रहा है तू यार, शाइनी पोकेमॉन की बाहर ला रहा है तू, और आज भाई नॉटिंग की कर रहा है तू, कोई बात नहीं। चलो 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 फिर से बाइट यूज़ करते हैं, क्या नहीं क्या ये, चलो बस कैसे गया ये लौंडा। ओके फिर से यूज़ बाइट एंड अब तो पिटना चाहिए। ओके लास्ट और एक बाइट की जरूरत है। एक्सप्लोशन नहीं, ये गलत अटैक, मरेगा मेरा पोकेमॉन मरेगा। एक्सप्लोशन का डैमेज ऑफकोर्सली 250 होता है और ऑफकोर्सली इससे कोई भी पोकेमॉन पिट सकता है, तो एंड ऑफ द टाइम इसने मेरे पोकेमॉन को बीट कर डाला विद क्रिटिकल हिट। या क्रिटिकल हिट, सो अब मेरा भाई पोकेमॉन थोड़े बहुत तो लेवल अप हो चुके हैं, बट उसका नेक्स्ट पोकेमॉन क्या आने वाला है मैं ड्रॉन्जर को भेजने की सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरा सॉल के लिए काफ़ी कमज़ोर है एंड वही मेरा टीम के एक मेन पोकेमॉन है तुम बोल सकते हो। तो जब सॉल के लिए की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैंने ड्रॉन्जर को भेज दिया, कोई बात नहीं ड्रॉन्जर ड्रैगन ब्रीज से सब संभाल लेगा यहाँ पर। एक्चुअली ड्रॉन्जर की भाई अटैक की डैमेज बहुत कम है दूसरे पोकेमॉन से। हेड स्मैश गया, वन शॉट किल्ड, मुझे पता था हेड स्मैश की डैमेज 150 तक होती है एंड 80% एक्यूरेसी रेट होती है उसकी। भाई इतना ज़्यादा खतरनाक मूव इनके पास आया कहाँ से, बट क्या मतलब हेड स्मैश से एक शॉट में कोई पोकेमॉन इतना लो हो जाता है, व्हाट द हेल। मतलब इसने छुआ तक, मतलब इसने एक बार भी छुआ मेरे पोकेमॉन को, इसका एचपी पूरा लो हो चुका है एक्चुअली में। ओ भाई बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अभी बस इसको थोड़ा और वो पोकेमॉन खतरनाक लाना है। ओके गैस्ली, ओहो ओहो मैन गैस्ली तो पोइजन प्लस घोस्ट टाइप पोकेमॉन, सो इसका लेवल काफ़ी अच्छा है, बट जैन हेडबर्ट आई गेस इसे ख़त्म कर सकता है। शैडो वॉल नहीं 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 क्या। ओके ओ भाई बहुत ओवर पावर्ड है, वो बहुत ओवर पावर्ड है। ओके एंड लास्ट टॉक्सल, तो ये इसे हरा पाएगा कि नहीं देखता हूँ। नजल है इसके पास बट नज़ल को नज़र उतारने की ज़रूरत है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, मतलब अगले एपिसोड में मैं होप कराऊंगा एंड इसी के सिलसिले में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 100 आवर की वीडियो आएगी बट थोड़ी लेट आएगी बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा एक काम बाकी है। बट हाँ जो भी गेम खेल रहे हो वही बहुत ज़्यादा मस्त गेम है एंड काफ़ी अच्छी भाई वीडियो बनेगी, तो भाई गेम नेम डिसाइड कर लेना कमेंट बॉक्स में तुम लोग। तो लेट्स प्ले गाइस, मीट यू अगेन।